हेलो गाइस, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा अलग है। जो कंपनी है एलईडी बल्ब का, वो कंपनी आप व्हाट्सएप के ज़रिए ऑर्डर ले रहे हैं और जो रॉ मटेरियल्स है वो प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को जो बिजनेस करना चाहते हैं। तो मैंने भी एक कंपनी से ऑर्डर किया था, तो आज वही देखेंगे कि जो कंपनी व्हाट्सएप के ज़रिए ऑर्डर लेते हैं तो कैसा माल प्रोवाइड करता है। मैंने भगवती लाइट इंडस्ट्री से ऑर्डर किए थे, तो आज देखेंगे कि ये जो माल वो भेजते हैं वो कि फेक होता है कि ओरिजिनल होता है, और माल का जो क्वालिटी है वो कैसा है, तो पूरा देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखना और कैसे मैंने ऑर्डर किया वो भी थोड़ा बताऊँगा। तो आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ जो है रॉ मटेरियल्स है और मशीन है, तो देखेंगे कि क्या कुछ है और क्या ख़राब है, क्या टूटा फूटा, सब आपको पूरा दिखाएंगे। और आप अगर ऑर्डर करना चाहते हो तो आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा वो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो जो मेरे पास ऑर्डर आया है, ऑर्डर आया नहीं, मेरा जो माल आया है उसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या है। तो चलिए देखते हैं कि अंदर क्या है और कैसा क्वालिटी का सामान है। तो पहले मैं जो पैकिंग है उसको काट लेता हूँ। ऊपर से तो थोड़ा सा टूटा फूटा दिख रहा है कवर, तो इसको तो मैं काट के देखता हूँ कि अंदर क्या हालत है मशीन का और रॉ मटेरियल का। तो आप देख सकते हो कि जो पैकिंग है वो थोड़ा फट गया है, और आप देख सकते हो जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर ही मशीन को चढ़ाया हुआ है। ये रहा एक मशीन, टिक्की फिटिंग मशीन है और क्या कुछ है। और आपका जो मेन मशीन पंचिंग मशीन है उसको हम दिखाएंगे, उसका हैंडल है ये। और इसमें रख के किया जाता है, तो इसको साइड में रखते हैं। और एक हीट सिंक पेस्ट दिया हुआ है, इसको वो इसको भी हम साइड में रखते हैं और देखते हैं क्या कुछ है। आप देख सकते हो जो पैकेट है वो भी सॉफिस है, और एक कटर है, कटर एक बढ़िया क्वालिटी का दिया हुआ है। तो ठीक है, आप मशीन में क्या है, और एक शोल्डर दिया हुआ है, शोल्डर आयरन, आयरन ठीक है पर अंदर नहीं है। और आप मशीन को देख लेते हैं कि क्या है। आप मशीन को देख सकते हो कि जो पैकिंग था वो पूरी तरह से टूट गया है, जो पैकिंग का जो सॉल दिया हुआ था। तो मशीन का कुछ टूटा फूटा है कि देख लेते हैं, नहीं मशीन ठीक ही है। और अंदर का जो रॉ मटेरियल्स है उसको भी हम देखेंगे, ये DOB 9 वाट का, वो भी ठीक है, ठीक ठाक। इसको साइड में रखते हैं। और आपका जो रॉ मटेरियल्स है उसको हम देखेंगे कि अंदर क्या टूटा है कि नहीं, क्योंकि जो मशीन है उसके अंदर उसके ऊपर ही था। तो सोल्डरिंग वायर हैं और ये जो स्क्रू है, तो इसको हम साइड में रखते हैं और देखते हैं कि और क्या है। तो अंदर और कुछ नहीं है। एक जो हैंडल का जो ऊपर रहता है वो टूट गया है,
तो इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है इसमें, जो रॉ मटेरियल्स है वो ठीक है कि उसको कोई टूट टूट गया है। तो रॉ मटेरियल को खोल के देखते हैं, हमने खोल लिया है। खोल के आप देख सकते हो जो रॉ मटेरियल है वो मेरे को अच्छा क्वालिटी का लग रहा है, पर जो टिक्की है वो थोड़ा टेढ़ा हो गया है कुछ, तो हो जाएगा ठीक, ये नहीं कि वो फिटिंग नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। तो लाइट का जो मटेरियल है वो ठीक ठाक लग रहा है, तो आप ये देखना ज़रूरी है कि वो उसमें जो लाइट है वो कितने पावर आता है, कि बहुत ही लो क्वालिटी का लाइट है वो मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी अनबॉक्सिंग देखने के लिए।